और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए ओके लेट्स चेक ठीक है एंजल्स हायर बीइंग्स एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 ओके लेट्स कट द डेक करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ कप्स इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज King of Swords, okay. Future action of your person is A of Cups. Your energy is the Hanged One. Your intention is A of Pentacles. Your future action is Queen of Swords. Interesting. And future of this whole connection, very important. Is Death. And uh, bottom of the deck, dekhlete? Knight of Pentacles. Okay. जोड़ियक साइन पहले बता देती हूँ जोड़ियक साइन इज स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ओके स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो जमिना लिब्रो एक्वेस एंड वोगो एंड टॉरस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोड़ियक साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो इंटरेस्टिंग कुछ जनरल एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ओके मुझे ये दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है आप लोग आप लोग की जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है आप लोग शायद एक ही ऑफिस में आ, काम करते हुए दिख रहे हो आप लोग एक ही ऑफिस में या एक ही कॉलेज में क्लासमेट्स हो सकते हो या कलीग्स हो सकते हो ये एनर्जी दिख रही है मुझे um, दिस पर्सन इज क्वाइट गुड मतलब ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है धीरे धीरे इनकी फीलिंग्स बढ़ रही है बट कमिटमेंट को लेकर अभी श्योर नहीं है मैं सच सच बताऊ लिया कमिटमेंट को लेकर अभी श्योर नहीं है एंड फ्यूचर uh, मुझे डेथ का क्लैरिफाई नहीं डेथ आ कैसे सकता है डेथ आई अंडरस्टैंड वाई द डेथ एनॉजी बट वाई डेथ लेट मी क्लैरिफाई प्लीज क्लैरिफाई मे दूस प्लीज क्लैरिफाई मे द डेथ वन कार्ड ओके फुल एक्जैक्टली आपकी भी एनर्जीज काफी बैलेंस्ड है लियो एंड ओवरऑल तो मुझे सब ठीक ठाक ही दिख रहा है नथिंग स्पेशल ऑनस्टली स्पीकिंग नथिंग स्पेशल नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ़ कप्स। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू उन्हें आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है मेरे हिसाब से जिस तरीके से आप इनकी केयर करते हो जिस तरह से आप इनकी केयर करते हो जिस तरीके से आप इनको अपने इमोशंस शो करते हो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड करंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड विद यू देखो यहाँ प्यार नहीं है देर इज नो देर इज नो लव एनर्जी आज सच लियो बट दे आर फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड विद यू इन्हें uh, आपके साथ मेरे हिसाब से ने बहुत एक होता ना, वो एक वन ऑन वन कनेक्शन फील होना एक ऐसा पर्सन मिलना जिसके साथ आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हो जिस, जिनसे आप अपना दिनचर्या शेयर कर सकते हो वो एक जो व्यक्ति होता है ना एक गुड फ्रेंड एक गुड वैसा इंसान पाना आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है सो दे फील दैट कनेक्शन विथ यू दे एंड दिस कनेक्शन ये बहुत टाइम बाद एक कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रही हो फॉर फॉर्शर मे बी पास में इन्होंने डेट किया होगा बट एक वो होता है ना एक वो कनेक्शन लाइक आई सेड इन द बिगनिंग की मेंटल कंपैटिबिलिटी आप लोग की बहुत अच्छी है तो वो जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है कि आप किसी से बात कर सकते हो आप किसी से कुछ शेयर कर सकते हो वो इस पर्सन को बहुत टाइम बाद आपके साथ महसूस हो रहा है लियो सो दैट्स वन वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई एम सींग इन दिस कनेक्शन एंड करंट एनर्जी में आपको और जानना चाहते हैं आपसे और एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं सी दिस पर्सन इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू ये तो दिख रहा है

अभी अभी इन्हों अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाया है ये इन्होंने ये नहीं दिखाया कि इमोशनली अंदर से ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं लियो एंड देन इंटेंशन टूवर्ड यू इज स्टिल दे वॉन्ट टू नो यू मोर दे वॉन्ट टू नो यू मोर ये अभी भी आपको लेके वैसा श्योर नहीं है कि ओ oh, मुझे लियो को कमिटमेंट देना है ओ मुझे लियो से शादी करनी है दे स्टिल नॉट श्योर अबाउट यू खो एक चीज तो मैं क्लियर कट बता देती हूँ कोई गेम नहीं खेल रहे हैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं देर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये नहीं की आपसे भी फ्लर्ट कर रहे दूसरों से नो अभी इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप ही हो अभी बट क्या अभी कमिटमेंट देना चाहते द आंसर इज नो ये अभी कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है बट अभी मुझे एटलीस्ट नवंबर तक मुझे यहाँ पे कोई कमिटमेंट कोई रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं दिख रही मुझे डेटिंग दिख रही है मुझे एक दूसरे के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप होते हुए दिख रही है आई एम नॉट सींग सेक्स हो रहा है ओ फिजिकली क्लोज हो रहे ओ oh, मुझे ये दिख रहा है नो आई एम सींग अ गुड जेन्यन बॉन्ड डेवलपिंग बिटवीन यू टू ये ये जो पर्सन है ना आई एम टेलिंग यू ये किंग की एनर्जी में है और ये जब देखो कोई भी राजा होता है वो सोच समझ के प्रजा के लिए निर्णय करता है वो ऐसे नहीं कि कि जल्दबाजी में आके प्रजा के लिए निर्णय कर ले कोई राजा होता है वो सोचता समझता है प्रजा की ध्यान प्रजा का ध्यान देता है प्रजा की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन बनाता है अपना निर्णय देता है सो वही किंग की एनर्जी है ये सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं ये सोच समझ के आपके साथ आना चाहते हैं ये कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे हैं ये कोई बकवासबाजी नहीं कर रही ये कोई मैनिपुलेशन नहीं कर इट्स जस्ट दैट दे वॉन्ट टू नो यू मोर यू एंड दैट्स परफेक्ट Right. होंगे ये ये power इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ये मेरे हिसाब से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते बहुत tall, dark, handsome, अगर लड़के होंगे तो टॉल डार्कम होंगे होंगे तो ब्यूटिफुलीचर्स आई एम सींगेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी

The future towards you, मुझे, uh, मुझे बहुत यहाँ पे भी डेथ है, है ये काम के लिए सिटी में या दूसरी कंट्री में मूव आउट करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन शायद अब्रॉड जाते हुए दिख रहा है अगर इनका पी आर वीजा का कुछ काम अटका हुआ है हंड्रेड परसेंट जितना मुझे दिख रहा है अक्टूबर नवंबर तक दूसरी कंट्री में मूव करते हुए दिख रहे हैं

और अगर ऐसी मिक्स एनर्जीज आनी आप कंफ्यूज हो प्लीज बुक अ पर्सनल रीडिंग ये वैसे भी जनरल रीडिंग होती है फ्यूचर एक्शन में आप मैं एक चीज बोलूंगी इस पूरे इनकी एनर्जी में कि आप किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस पर्सन से अगर आपको शादी की जल्दबाजी है अगर आपकी उम्र निकल रही है आपकी शादी की जल्दबाजी है इस पर्सन के के लिए बैठे मत रहो आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो इफ दैट्स द केस एंड अगर हाँ मैं एक चीज बोलूंगी मुझे एक अच्छी दोस्ती दिख रही है आप दोनों के बीच में इट्स गुड इट्स बेटर गुड है जरूरी नहीं कि आप सबके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ कुछ अच्छी दोस्ती भी हो सकती है डेवलप हो सकती है और यहाँ पे मुझे कोई यहाँ पे कोई फिजिकल इंटिमेसी वो लस्टफुल एनर्जीज नहीं दिख रही है बहुत जेन्युइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे फ्यूचर एक्शन में ये थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट होंगे क्योंकि इनके काम की वजह से रेस्ट मुझे अभी कमिटमेंट नहीं मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ now let's talk about your energies your current energies you are hanged one आप तो सोच सोच के परेशान हो गए हो आप सोच सोच के परेशान हो गए हो कि ये बंदा ये बंदी मुझे कमिटमेंट कब तक देंगे ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हमारे बीच में इतना सब कुछ अच्छा है इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे दैट्स योर करंट एनर्जीज अब दिन रात इसी पर्सन के बारे में सोचते हो आपको लगता है

आप भी कोई ऐसा नहीं हो कि आप कोई मर रहे हो आप कोई प्यार में हो आप अंधे हो गए हो नो यू जस्ट लाइक दिस पर्सन बट यू डोंट नो टू डू दैट्स योर करेंट एनर्जीज योर इंटेंशन देखो इंटेंशन कहीं ना कहीं आपका भी इंटेंशन वही सेम है आप इस पर्सन से एक अच्छी दोस्ती मेंटेन करना चाहते हो आप इस पर्सन को और जानना चाहते हो यू आर और नॉट एंड रश कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट बहुत से लियो आप लोग अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस हो आपका प्रायोरिटी मेन प्रायोरिटी राइट नाउ इज योर करियर And your intentions towards you is that you definitely want to know this person. You don't want to give up on this connection. You don't want to give up on this friendship. And which is fine. यार aap dosti rakho na is person ke sath dosti rakho दोस्ती रखो और मेरे हिसाब से I feel मैं एक सच्ची बात suggest करूँगी कि August end तक इस person से directly पूछ लो कि आप क्या चाहते हो इस connection में. What is what is your take on it? आपको जवाब मिल जाएगा. और जवाब पता हूँ क्या देंगे ये जवाब देंगे कि देखो लियो मैं अभी भी श्योर नहीं हूं आपको लेके जी आप एक अच्छे व्यक्ति हो मुझे आपके साथ वक्त बिताना बहुत ज्यादा पसंद है बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ और ये श्योर इसलिए नहीं है मैं अभी बताऊंगी मैं लास्ट में बताऊंगी कि ये श्योर क्यों नहीं है इंटेंशन में एक चीज बोलू आपको लियो आप अपने प्लीज करियर पे ध्यान दो इनसे बातचीत करो इनसे कनेक्शन बना के रखो मैं बार बार वही बोल जिनको शादी की जल्दबाजी लिटरली शादी कमिटमेंट जो छोटे हैं एज में आप लोग वेट कर सकते हो रिलेशनशिप में आ जाओगे जब आना होगा बट अगर आपको शादी की जल्दबाजी आपको शादी करनी एक दो महीने के अंदर एक साल के अंदर डोंट वेट फॉर दिस पर्सन दटेंस कमिट फॉर यू क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग तीस 35 या चालीस साल के हो और आप लोग इस पर्सन की कमिटमेंट के लिए वेट करो आपका साल बर्बाद हो रहा है डोंट डू दिस इतना कोई फूल नहीं बनता है ये मैं सिर्फ शादी वाले लोगों के लिए बोल रही हूँ एंड सिंगल उनकी लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं है आप इस uh, इंसान को वक्त दो दफ योर फ्यूचर एक्शन वो एक बोला ना यहाँ पे मेरे हिसाब से आप इस पर्सन से बहुत डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट बात करोगे सीधी बात करने वाले हो कि आपका क्या टेक है मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में आप कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा होते हुए दिख रहे हो आप अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्सा दिखाते हुए दिख रहे हो इनसे लड़ते हुए दिख रहे हो आप बहुत ज्यादा दैट्स द एनर्जी आई एम सींग फॉर यू आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रपोज करते हुए दिख रहे हो बट यू आर नॉट डेस्परेट मेरे हिसाब से अगर ये आपको मना भी कर देंगे या कुछ कर देंगे आपका दिल विल नहीं टूटेगा लियो आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो एक चीज तो आपके एनर्जी में लियो ये दिख रही है कि आप एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हो आप लोगों को आप चेज नहीं करते हो अपनी लाइफ में आप respectfully लोगों को हैंडल करते हो रिलेशनशिप्स या कनेक्शन को हैंडल करते हो और अब आपका एटीट्यूड भी यही दिख रहा है कि इफ इट्स मेंट टू बी इट विल अगर हमारी किस्मत में वो पर्सन होना होगा वो होके रहेगा नहीं होना होगा नहीं होना होगा सब मुझे दिख रहा है लियो बहुत लोग लियो आप लोग यूनिवर्स पे बहुत भरोसा करते हो यूनिवर्स पे सरेंडर करते हो दिख रही है। आज की reading इस पूरे रीडिंग में कि आप लोग अच्छे दोस्त तो रहोगे फॉर श्योर sure. एक दूसरे की हेल्प करोगे एक दूसरे की मदद करोगे लाइक एस एंड मेंटल कंपेटेबिलिटी आप लोग की बहुत अच्छी है ऐसे दोस्त ऐसे ऐसे रिश्ते होने चाहिए लाइफ में ज ओके विच इज फाइन जरूरी नहीं सबके साथ आपका आपकी शादी हो जाए रिलेशनशिप हो जाए समटाइम्स इट्स ओके इट्स टू हैव फ्रेंड्स इन यूर लाइफ लाइक दैट राइट नाउ द फ्यूचर फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन डेथ क्लैरिफाइड बाय द फूल ये आपको कमिटमेंट देने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनका पास खराब है ये शायद एक भी हो सकते हैं या इनका बहुत गंदा ब्रेकअप या बहुत गंदा रिलेशनशिप फूल द एंडिंग्स का कार्ड और का कार्ड क्लैरिफाइड बाईट इसमें इस पूरे एनर्जी पूरे कनेक्शन में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप लोगों के बीच कमिटमेंट अभी नहीं है बट कमिटमेंट की उम्मीद इज कमिटमेंट की उम्मीद है बट ये जनवरी के बाद ये मुझे एनर्जी आ रही थी, आप दोनों जो फ्यूचर है ना वो मुझे एक बोली एक अच्छी दोस्ती दिख रही है एक गुड यहाँ पे देखें यहाँ पे जो व्हाइट रोज होता है जो व्हाइट फ्लावर होता है वो पीस का सिंबल होते हैं होता है तो वो ही दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत पीसफुल बहुत अच्छा एक गुड फ्रेंडशिप मुझे होते हुए दिख रही है एंड वो ही डेथ क्लैरिफाइड बाय फूल यही सिग्निफाई करता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए पता नहीं यहाँ पे मुझे क्यों फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही आई डोंट नो वाई डेथ की एनर्जी एंडिंग नहीं है ये सब मुझे पता नहीं फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है मैं तो ये वर्ड नहीं यूज करती हूँ लव रीडिंग्स में बट आपके केस में मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी दिख रही है वो ही ये कमिटमेंट इसलिए आपको नहीं दे रहे बिकॉज इनका पास का ड्रामा आपके अंदर कोई कमी नहीं ली हो आपको ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं

कि अगर आपका कोई एक्स है अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है इट्स ओके बी भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक comment, share प्लीज लाइक to शेयर एंड सब्सक्राइब टू bye. -bye.